ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 5 ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ दिल्ली शराब घोटाले के ईडी का कोर्ट के वड्डा दावा केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से आतिशी का लिया नाम क्या मैनू नहीं आतिशी ते सौरभ नूं रिपोर्ट करता सी विजय नायक भाजपा ने राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान की चोण कमिशन नूं कीती शिकायत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले इन्हां दा घमंडी अलायंस टुटिया कल इंडिया गठजोड़ की रैली के राहुल ने दिता सी बयान कांग्रेस के शामिल हुए डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला तो मिल सकती है टिकट डॉक्टर गांधी बोले मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो होया प्रभावित कच्चा तिबू टापू विवाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर का वड्डा बयान 50 साल पहला कांग्रेस ने एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिता टापू पिछले 20 साल 6000 तो वध भारतीय मछेरिया अपनी हिरासत लै चुकी है श्रीलंका पंजाब महिला कमिशन ने लिया जैजी बी दे नवे गीत बारे सुमोटो महिलावां दे लई इतराजयोग टिप्पणी करन दे इल्जाम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो मंगी रिपोर्ट अमृतसर दे विच अणपछात्या ने नौजवान दा गोलियां मार के कीता कतल परिवार सने ट्रैक्टर ट्राली ते आनंदपुर साहिब जा रहा सी नौजवान पुरानी रंजिश दे चलदिआं बदमाशां ने वारदात नूं दित्ता अंजाम सूबे भर के कणक की सरकारी खरीद हुई शुरू पर हाले मंडियां दे विच नहीं हुई फसल की आमद मौसम दे विच नमी दे कार नहीं पक्की कणक सत श्रीकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है सब तो पहला गल होगी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों प्रदर्शन किया गया तिहाड़ जेल दे बाहर वड्डी गिणती दे विच आप वर्कर जुटे केजरीवाल दे समर्थन दे विच नारेबाजी की जा रही है शाम तक केजरीवाल नूं तिहाड़ लैके आवेगी ईडी की टीम कोर्ट ने केजरीवाल दरअसल न्यायिक हिरासत दिती है तिहाड़ की जेल नंबर 5 दे विच अरविंद केजरीवाल नूं रख्या जा सकदा ते इस दे विचाले लगातार आम आदमी पार्टी के वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार सड़कों उतर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी के वालों कार्रवाई की गई है उसका विरोध किया जा रहा है तिहाड़ जेल के बाहर भी वड्डी गिनती दे विच आप वर्कर जुटे तुहानू तस्वीर भी विखा रहे हैं वड्डी गिनती दे विच आप आगू वर्कर इन तस्वीरों के वेखे जा सकते हैं दरअसल तिहाड़ जेल की बाहर दी ये तस्वीर ने जिथे कि केजरीवाल के समर्थन के आप वर्कर के वालों नारेबाजी की गई शाम तक अरविंद केजरीवाल को ईडी के वालों तिहाड़ ले जेल लिया जाएगा कोर्ट ने दरअसल केजरीवाल को न्यायिक हिरासत दी है तिहाड़ की जेल नंबर 5 के अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है जदों ईडी दे टीम दे वल्लों अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल लैके आया जाना है तो इस तो पहला ही आम आदमी पार्टी के वर्कर वड्डी गिनती दे तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे हुए हैं तो अलग अलग तरीके दे नाल इस तरीके का जिहड़ा कि प्रदर्शन किया जा रहा है सो दिल्ली दी तुहानू असीं तस्वीरां विखा रहे हैं वड्डी गिणती दे विच आम आदमी पार्टी दे वर्कर नजर आ रहे उत्थे सुरक्षा दे लिहाज दे नाल दिल्ली पुलिस दे वल्लों भी पुख्ता प्रबंध कीते गए ने वड्डी गिणती विच पुलिस मुलाजमां दी तैनाती की गई है दरअसल 11 तरीक नूं 11 मार्च माफ करना दरअसल 21 मार्च नूं इह पूरी जिहड़ी कि कार्रवाई ईडी दे वल्लों दिल्ली दे विच वड्डी कीती गई 21 मार्च नूं जिहड़ा कि अरविंद केजरीवाल नूं दी रिहाइश तों जिहड़ा कि गिरफ्तार किया जांदा उस तों बाद 2 बार रिमांड हासिल किया गया अज मुड़ तों जिहड़ा कि कोर्ट दे विच पेश किया गया कोर्ट दे वल्लों न्यायिक हिरासत दे विच जिहड़ा कि अरविंद केजरीवाल नूं भेजा गया शाम तक दरअसल ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल नूं तिहाड़ जेल लैके आवेगी तो इस तों पहलां ही यह प्रदर्शन दी तस्वीरां जिहड़ियां तुहानूं विखा रहे हैं तिहाड़ जेल के बाहर किवें वड्डी गिणती दे विच आ वर्कर नजर आ रहे हैं किवें नारेबाजी की जा रही है अरविंद केजरीवाल के समर्थन के जिहड़े कि नारे लगाए जा रहे हैं दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 5 के अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है 21 मार्च में दरअसल ईडी के वल्लों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया 22 मार्च में 7 दिन का जिहड़ा रिमांड हासिल किया गया ईडी के वल्लों 28 मार्च में 5 दिन का रिमांड मिलता है तो 1 अप्रैल यानी कि
अज जिहड़ा कि अरविंद केजरीवाल नूं कोर्ट दे विच पेश कीता गया ते 14 दिनां दी न्यायिक हिरासत दे विच कोर्ट दे वल्लों भेजिया गया। शाम नूं ईडी दी टीम जिहड़ी कि तिहाड़ जेल लै के पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल नूं, ते इस तों पहलां ही वड्डी गिणती दे विच आप वर्कर नज़र आ रहे ने, हत्थां दे विच वख-वख पार्टी दे झंडे नज़र आ रहे ने वर्करां दे, ते लगातार नारेबाजी की जा रही है। हालांकि अगे जाण तों अगे वधण तों पुलिस दे वल्लों इन्हां प्रदर्शनकारियां नूं वर्करां नूं रोकण दी कोशिश की जा रही है, पर लगातार आम आदमी पार्टी के वर्कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस तो पहले जिवें 21 मार्च में वड्डी गिरफ्तारी होंदी है, ईडी दे वल्लों वड्डी कार्रवाई की जाती है, उस तो बाद लगातार आम आदमी पार्टी दे वल्लों दिल्ली दीआं सड़कां ते विधानसभा दे विच इस तरीके दे नाल जो कि लगातार प्रदर्शन किए जाते रहे, तो अज मुड़ तों यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्थे दिल्ली शराब घोटाले दे विच ईडी दा कोर्ट दे विच वड्डा दावा, केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज ते आतिशी दा नाम लिया है। ईडी का जो कि दावा है कि केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने आतिशी ते सौरभ नूं रिपोर्ट की, केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने मैनू रिपोर्ट नहीं की। जो ईडी के वलों दरअसल ये वड्डा दावा किया गया दिल्ली शराब घोटाले को लैके, ईडी ने जो दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से आतिशी का नाम लिया कोर्ट के, केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने आतिशी ते सौरभ नूं रिपोर्ट की, केजरीवाल ने कहा विजय नायर ने मैनू रिपोर्ट नहीं की। जो ईडी के वलों दरअसल यह वड्डा दावा किया गया क्योंकि 21 मार्च में ही ईडी के वलों दिल्ली शराब घोटाले को लेकर वड्डी कार्रवाई की जाती है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, दो बार रिमांड हासिल किया गया, रिमांड के दौरान सवाल जवाब इस पूरे केस को लेकर किए गए, तो हुण ईडी के वलों कोर्ट के दरअसल वड्डा दावा किया गया कि केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने आतिशी से सौरभ को रिपोर्ट की, केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर ने मैनू रिपोर्ट नहीं की। आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं यह कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया, उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। सोचने वाली बात है साथियों, पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हश हो रहा है और क्या हशर होने वाला है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब तो बार बार ये चार चीज सामने आई जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है। इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है, करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा।
उनको जेल में क्यों डाला है। मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरद रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है, जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो दो साल से हमारे खिलाफ एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरद रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। रुख करांगे पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई वड्डी खबर का। कांग्रेस के भी शामिल हो गए ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी, जिहड़े कि पटियाला तो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस ज्वाइनिंग तो बाद डॉक्टर गांधी के वालों कहा गया कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो प्रभावित होया, सही दिशा चुनने लिए मैं कांग्रेस के आया हाँ। राजनीतिक तानाशाही मेरे लिए वड्डा मुद्दा है, कांग्रेस के आना मेरे लिए खुशी वाली गल है, आम आदमी पार्टी मेरे आदर्श की पार्टी नहीं सी। डॉक्टर गांधी के वल दरअसल वड्डा बयान दिता गया। डॉक्टर धर्मवीर गांधी जिहड़े कि कांग्रेस के शामिल हुए हैं, पटियाला तो जिहड़े कि कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दस दिए कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जिहड़े कि साल 2014 के पटियाला तो आम आदमी पार्टी के लोग सभा मैंबर चुने गए। 2014 के जो कि 4 MP पंजाब तो आम आदमी पार्टी के बने सन, तो उन्होंने एक डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी सन। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियां के चलद आम आदमी पार्टी उस वे डॉक्टर गांधी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया सीगा। उस तो बाद आम आदमी पार्टी तो वक् होए, अलग होए, तो जो हम 2024 लैके अखाड़ा पूरी तरह पथिया होया, तो इस विचाले ये वड्डी ज्वाइनिंग हुई है। ये ज्वाइनिंग भी दिल्ली के हुई है, तुम तस्वीर विखा रहे हैं। विरोधी धिर के आगू तो कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा नज़र आ रहे हैं। उत्थे ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी इस दौरान मौजूद रहे। तो दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर गांधी की ज्वाइनिंग हुई। डॉक्टर धर्मवीर गांधी आखिरकार कांग्रेस के भी शामिल हुए ने, पटियाला तो जिहड़े कि उम्मीदवार हो सकते हैं। सजॉइनिंग तो बाद डॉक्टर गांधी के वालों कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो प्रभावित होया, सही दिशा चुनने लिए मैं कांग्रेस के आया हाँ। राजनीतिक तानाशाही मेरे लिए वड्डा मुद्दा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आना मेरे लिए खुशी वाली गल है, आम आदमी पार्टी मेरे आदर्श की पार्टी नहीं सी। जब राहुल जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो क्योंकि मैं खुद राजनीतिक तौर पर मेरे में भी हलचल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी, तो मैंने देखा कि आज ये साधारण समय नहीं है, ये असाधारण समय है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। और इस समय जिस आदमी के दिल में जमहूरियत धधकती है, सेकुलरिज्म है, संविधान के प्रति आदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है, उसके लिए उसके मन में एक उसको उसको वो उसके साथ रहना चाहता है, और जो राज जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार रख देखना चाहता है, और देश में सामाजिक न्याय की बात वो देखना चाहता है। तो ऐसे समय में जब ये सब कुछ खतरे में हो, और जब 2024 ना तो ये ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है, देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, कौन सी किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना, या
ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन दिस इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शन. मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ. दैट्स वाई आई एम विद कांग्रेस. कल मैंने मार नहीं खाई, इतने इतने घाट लोगों ने मार खाई और देश में हजारों लाखों लोगों को लगा कि ये तो नई हवा का झोंका है, ठंडा झोंका आया है. और जो हम वेट कर रहे थे इनकलाब आ गया कि नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है, एक स्वच्छ राजनीति की, पारदर्शी राजनीति की, जवाबदेह राजनीति की, वो लोगों ने धोखा खाया. तो मैंने भी खाया, पर मैंने वो सबसे पहले पंजाब में मैंने करेक्ट किया. मैं फरवरी दो जो पहली एनसी की मीटिंग यहाँ प्रशांत जी और जोगिंदर जी को इन्होंने बड़ा ही मतलब उनको जलील करके बाहर निकाला. मेरे को कुछ नहीं बोला था. आई वाज सीएलपी, मैं कांग्रेस का लीडर था. मैं आम आदमी पार्टी का लोकसभा में कांग्रेस, मैं आई वाज लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा. मेरे से अरविंद जी कोई लड़ाई नहीं हुई. आई हैव नथिंग टू से ऑन पर्सनल ग्राउंड विद हिम, बट जिस तरह उसने जलील किया और परेशान और आउस्टर किया, तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का जिसकी मेरे मन में बड़ी था कि यहाँ बात सुनी जाएगी, बात कही जाएगी, हम लोग मिलकर नया हिंदुस्तान बनाएंगे, वो सपना टूट गया. एंड आई सेड गुड बाई इन फेब्रुवरी 2015. 14 में चुन किया है मैं मई 14 में, 15 फरवरी में निकल गया. बाकी लोगों को निकाला गया है पंजाब में. आपको अगर कांग्रेस लोग पटियाला से लड़ने की जिम्मेदारी देना चाहती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, अगर कांग्रेस समझती है कि मेरे को महारानी परनीत कौर जो कैप्टन साहब के वाइफ हैं और जिनसे पहले मेरा मुकाबला हुआ था कि आई एम द राइट काइंड ऑफ पर्सन टू कंटेस्ट हर एंड डिफीट हर, नॉट बिकॉज शी इज महारानी एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी, बिकॉज शी इज इन बीजेपी, शी इज विद द पॉलिटिक्स विच इज एंटी पीपल, एंटी कंट्री, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी विच आई डोंट लाइक. आई विल डिफीट हर नॉट एज महारानी परनीत, डिफीट हर एज ए बीजेपी कैंडिडेट. आप तैयार हैं लड़ाई के लिए? आप तैयार हैं? यस, इफ आई गेट ए चांस, इन स्पाइट ऑफ माय लिमिटेशंस, हेल्थ लिमिटेशंस, फैमिली लिमिटेशंस एंड एज लिमिटेशंस, आई दिस मैं कहता हूं ये जंग है जो लड़ूंगा और लड़ी जाएगी. इस दौर में आपके सामने है गांधी साहब, उन्होंने अपनी भावनाएं ये भी कहा कि मैं जरूरी नहीं है कि यहां चुनाव लड़ने के लिए आया हूं. कोई व्यक्ति इस जमाने में और ज्वाइनिंग करने के समय, आज आपने देखा होगा कि रात को कुछ लोग ज्वाइनिंग करते हैं और सुबह बीजेपी की टिकट ले लेते हैं, और जिस प्रकार से उनको लाया जाता है वो भी आप जानते हैं, और जिन भावनाओं के साथ गांधी जी ने कहा है, मेरे को लगता है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे नए पंजाब की. और ऐसे मेरे को गांधी साहब से हम लोग पंजाब, मैं नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित थे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जो काम करने का तरीका, लोगों से आने जाने का तरीका, जिस तरीके से वो सोशल वर्क करते हैं और ना कुछ चाहते हुए, दैट्स अ वेरी आई थिंक अच्छी बात. और मेरे को लगता है कि इनके आने से पार्टी में बहुत और मजबूती आएगी. जिस प्रकार से बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं कि इधर आए, तीन तीन बार पार्टियां लोग बदल गए, लेकिन लोग ऐसे चेहरे चाहते हैं, लोग गांधी साहब जैसे लोगों को पसंद करते हैं. और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आई एम नॉट हेयर फॉर द टिकट, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं भावना से आया हूं, डरो मत का नारा सुन के आया हूं, मोहब्बत की वो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा सुन के वो आया हूं. क्या मुख्य कारण रहे कि आज आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखो, जो पिछले 10 साल में देश जिस तरफ जा रहा है और जो देश के सामने चुनौतियां हैं और जो 24 का इलेक्शन है, ये आम इलेक्शन ना होकर एक विशेष इलेक्शन बन गया है. इंडियन रिपब्लिक की हिस्ट्री में नया इतिहास लिखे जाने वाला है, अच्छा या बुरा. तो उसके लिए आज कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो क्षेत्रीय दल है, वही एक ऐसी ताकत है, वही एक ऐसी शक्ति है जो इस देश को जिस तरफ जा रहा है देश, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, जो कॉरपोरेट सेल आउट है, और जो गरीब अमीर का जो फर्क है वो बढ़ रहा है, उनका जो मनी एक कुछ हाथों में इकट्ठा हो रहा है, और जो देश में तनाव है, जो धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, उन सबसे, और जो एक देश में एक अजीब सा डर का सहम का माहौल बना हुआ है, देश का संविधान, देश की अदालतें, देश का जो बहुत संस्थान जिन्होंने
जमहूरियत की रक्षा करनी थी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, वो सबको कंप्रोमाइज कर दिया गया है, सबको चुप करा दिया गया है। तो ऐसे हालत में तो मेरे जैसे लोगों के लिए जो शुरू से ही बोलने की आज़ादी के, जमहूरियत के, धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार रहे हैं विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक, तो ऐसे समय में चुप रहना गलत है। हमारे लिए ऑप्शन ही कोई नहीं है, चुप रहना, साइड ना लेना कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर कट कहना पड़ेगा कि हियर इज द फोर्स देश की आगे ले जा सकती है, एंड हियर इज द फोर्स जो देश को पीछे ले जा रही है और लेके जाएगी अगर 24 मई को शिकस्त नहीं दी जाती। धर्मवीर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे और उसके बाद आपकी अपनी एक पार्टी बनाई आपने और अब आप कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का कहना है, मानना है, सूत्रों की माने, राजनीतिक सलाहकार की माने, तो परनीत कौर के सामने आप एक चुनौती के रूप में पेश होने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले भी टक्कर दिया है, वो आपका क्षेत्र रहा है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस का हुकूम इक्का? परनीत कौर मेरे बुजुर्गों जैसे हैं, तो शी इज एल्डर टू मी, तो मेरे लिए परनीत कौर क्वेश्चन नहीं है। परनीत कौर जिस राजनीति के साथ है, जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो धार्मिक, जो धर्मांधता पैदा करके देश को लड़ाना चाहती है, बांटना चाहती है, जो सारे देश को लुटवा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों, चंद एक फैमिलियों के हाथों, जो देश को संकट में धकेल रही है, उस पार्टी से लड़ाई है, क्योंकि उस पार्टी की नुमाइंदगी पटियाला में अब परनीत कौर कर रहे हैं, जिन्होंने 60 साल 70 साल कांग्रेस का में रहकर गुजारे हैं और जो कांग्रेस का जो एथोस है, जो कल्चर है, उसमें वो समा नहीं पाई और अपने वो राजनीतिक हितों के लिए, निजी हितों के लिए, पता नहीं उनका क्या हित है, उन्होंने बीजेपी का जो दामन थामा है, मेरी लड़ाई उससे है, परनीत कौर से नहीं है। कौर को हराने का दावा रखते हैं आज मीडिया के सामने कि उनको हराएंगे लोकसभा चुनाव में? आप, यू आर मिस्टेकिंग इट क्वेश्चन।